हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 15 जेपी 110250। तो इसमें क्या है कि एक मासलेस पेन है और उस पर मैं छोटा सा मास एम गिरा रहा हूँ। तो ये जो जैसे मैं मास एम उस पर गिरा रहा हूँ तो यहाँ पे इससे टकरा रहा है, ठीक है। और टकराने के बाद मुझे ये भी गिवन है कि डज नॉट रिबाउंड आफ्टर कोलिजन। ऐसा मान लो रिबाउंड नहीं होता तो मैं बोल सकता हूँ कि ये चिपक ही जाता है एकदम उससे, है ना। आफ्टर कोलिजन इट स्टिक्स, लिखा है रिबाउंड नहीं हो रहा, तो स्टिक ही हो रहा है। पहले मासलेस पेन था, फिर पूछा गया मुझसे क्या एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। पहले तो मैं यहाँ पे फिगर बना लेता हूँ ऐसे थोड़ा सा ताकि क्लैरिटी रहे। तो ये मेरा पेन है, ये मेरी बॉल है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई जैसे ही उस पर बॉल टकराएगी तो ये क्या करेगी कि भाई इसको नीचे धक्का देगी। तो ये पेन क्या होगा, नीचे एकदम एकदम धक्का, एकदम उसको धचका लगेगा। और ये ऐसे धचका लगते 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 है ना, एक पोजीशन ऐसी आ जाएगी जिस पे यहाँ पे नेट फोर्स उसकी जीरो हो जाएगी। बट वो तब रुकेगा नहीं, तब वो एक एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता रहेगा, ठीक है। तो ये मेन पोजीशन पे आ गया और यहाँ पर एक एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगा फाइनली, जब यहाँ पे वो रुक जाएगा, ठीक है। मैं बोल देता हूँ दिस इज सी पॉइंट और यहाँ पे जो पॉइंट है इसको मैं बोल देता हूँ ए पॉइंट, ठीक है। जो मुझे पता है क्या, ये मास एम का है, ये मासलेस है, ठीक है। और ये हाइट कितनी है, एच है, ठीक है। मैं इसको बोल देता हूँ ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, ठीक है। तो दिस इज एक्स, ठीक है। यहाँ पे आके रुक जाता है। तो भाई मुझे और क्या इसमें गिवन है कि मैं क्या करता हूँ, इसमें एक वैल्यू निकालता हूँ क्या, कि मैं बोलूँगा क्या कि एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं अपन किसके बीच में, ए और सी के बीच में। अपन क्या लगा रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन ए एंड सी। एनर्जी कंजर्वेशन अगर मैं ए एंड सी के बीच में लगाऊंगा तो उसमें मैं क्या बोलूंगा कि भाई जो एनर्जी ए पे है वही एनर्जी किसके बराबर होगी, सी पे एनर्जी के बराबर होगी। तो एनर्जी जो ए पे है प्लस काइनेटिक एनर्जी जो ए पे है वो किसके बराबर होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी सी पर है प्लस काइनेटिक एनर्जी जो सी पर है, ठीक है। तो क्योंकि ए पर भी सब कुछ रेस्ट पे है ना, ए पर अगर देखे तो भाई यहाँ से तो उसको रिलीज़ करा है बॉल को, तो ये तो रेस्ट पे ही है। मासलेस पेन की कोई मासलेस पेन का तो मास है ही नहीं, उससे कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी ही नहीं। तो बोलूँगा के ए तो जीरो हो गया। के सी की बात करें तो के सी पे यहाँ पे तो बॉल आ तो गई है पर यहाँ पे आते आते रुक गई है ना, क्योंकि भाई तो मैं बोलूँगा के सी भी जीरो, ठीक है। तो जो यू ए है वही यू सी के बराबर है, ठीक है। बट यू ए और यू सी में जो एनर्जीज है वो अलग अलग है, ठीक है। क्योंकि यू ए के टाइम पर अगर मैं यहाँ पर इसको रेफरेंस लाइन मानूँ पोटेंशियल एनर्जी के लिए, रेफरेंस लाइन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं इसे मानूँ, तो ये मैं बोलूँगा क्या कि दिस हाइट, दिस पोटेंशियल एनर्जी जो यू ए है वो किसके बराबर होगा, एम जी इंटू ये छोटा मास एम जी इंटू एच प्लस एक्स, ठीक है। और यू सी जो होगा, यू सी में आप देखोगे पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा तो मैं दोनों में मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिख दी, बट क्या सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे एक स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो बोलूँगा कि ए पॉइंट पे अगर आप देखो तो स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है, तो बोलूँगा स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, मगर यहाँ पे तब जहाँ तक जब एक्सट्रीम पोजिशन पे आ जाता है तो अब स्प्रिंग थोड़ी खिंच जाती है, और स्प्रिंग कितनी खिंच जाती है, एक्स। तो बोलूँगा कि अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी स्प्रिंग में, के एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो यू ए और यू सी मुझे पता है मेरे बराबर हैं, तो बोलूँगा क्या कि एम जी इंटू एच प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो एक्स स्क्वायर जिसमें आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एम जी बाई के एच माइनस टू एम जी बाई के एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक को अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक को अगर मैं सॉल्व करूंगा, मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा हुआ है, मान लीजिए ऐसे, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है। तो मुझे क्या पता होता है कि एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, इसके रूट्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर मुझे निकालने तो ये आएंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी, यानी माइनस ऑफ
ये मेरा बी है और ये क्या है मेरा सी है, ठीक है। तो माइनस ऑफ माइनस टू एम जी बाई के, ठीक है, डिवाइडेड बाय टू इंटू वन, क्योंकि ए की वैल्यू तो वन है ना, ए की वैल्यू तो वन है, प्लस माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू ऑपोजिट में, तो टू एम जी बाई के का होल स्क्वायर माइनस ऑफ फोर ए सी, माइनस ऑफ फोर इंटू वन इंटू माइनस, और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ का जो सी का माइनस है वो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और वो आ जाएगा टू एम जी बाई के इंटू एच, ठीक है। तो इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये मेरा यहाँ भी प्लस हो जाएगा, दिस और कम्स आउट टू बी टू एम जी बाई के प्लस माइनस डिवाइडेड बाई यहाँ पे टू हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टू कॉमन निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे ये टू कॉमन आ जाएगा तो फोर हो जाएगा, फोर को कॉमन निकालूंगा बाहर टू आ जाएगा, टू एम जी बाई के का होल स्क्वायर प्लस टू एम जी एच बाय के, ठीक है, टू टू कैंसिल हो गया। तो एक्स की वैल्यू जो मेरी फाइनली आ रही है वो आ रही है, इसमें मैं एम जी बाई के भी अब कॉमन निकाल लेता हूँ, एक काम करता हूँ, तो एक चीज़ इसमें और वेरीफाई कर लेते हैं, फोर ए सी, ठीक है, ठीक है, इसमें मैं एक एच एम जी बाई के कॉमन निकालना इस क्वेश्चन में, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी एम जी बाई के प्लस माइनस एम जी बाई के, ठीक है, वन प्लस टू के एच अपॉन एम जी, ठीक है, ये मेरे पास फाइनली बच जाएगा। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, ये जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू एम जी बाई के प्लस माइनस एम जी बाई के वन प्लस टू के एच बाई एम जी, तो आपको ध्यान से देखेगा दिस इज मेन पोजिशन, दिस इज मेन पोजिशन, और ये जो प्लस माइनस है, प्लस माइनस क्या बता रहा है, इसके अबाउट ऑसिलेशन, इसके अबाउट जो ऑसिलेशन बता रहा है, मतलब ये क्या है, एम्पलीट्यूड। तो यही मेरा फाइनल आंसर है, जो मेरा फाइनल आंसर है वो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, जो मेरा फाइनल आंसर है एक्स इज इक्वल टू, जो मेरा फाइन एम्पलीट्यूड निकालना है, तो मेरा जो एम्पलीट्यूड आ रहा है वही आ रहा है एम जी वाई के वन प्लस टू के एच बाय एम जी। सो दिस इज माई फाइनल आंसर, सो दैट्स इट।